हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेज क्यूइन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जिसका यूज हम बहुत सारे स्वीट्स बनाने में करते हैं। इसको घर पर बनाना बहुत ही इजी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 कप यानी कि आधा लीटर दूध डाल देंगे। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है, आप कोई सब दूध ले सकते हैं। दूध को हम 1/4 रहने तक उबालेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। साथ ही इसमें 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम इसमें चीनी डाल देंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप चीनी स्टार्टिंग में ही डालें। आपने देखा होगा कंडेंस मिल्क का कलर हल्का सा ब्राउन होता है, वो तभी आता है जब हम चीनी स्टार्टिंग में डालते हैं। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और साथ साथ क्रीम को रिमूव करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें क्रीम की लेयर बन जाती है तो हमारा कंडेंस मिल्क स्मूथ और सिल्की नहीं बन पाएगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसकी क्वांटिटी 1/4 नहीं रह जाती। फिफ्टी परसेंट दूध हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा डालने से इसमें हल्की सी झाग आती है। जैसे ही हम इसको लगातार चलाएंगे, ये झाग अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम हल्का से इसको और पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ध्यान रहे इसको ओवर कुक ना करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और सिल्की है आप सामने देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, कंडेंस मिल्क हमारा ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, सेम मार्केट जैसा। अब हम इसको इस बाउल में निकाल लेंगे। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।